बिग बॉस 17 खत्म हो जाने के बाद अब फैंस के मन में ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर बिग बॉस OTT3 की शुरुआत कब होने वाली है। ऐसे में फैंस के अंदर ये जानने के लिए भी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है कि इस शो के कंटेस्टेंट कौन कौन से सितारे होने वाले हैं। दरअसल बिग बॉस OTT3 की धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स बिग बॉस OTT के तीसरे सीजन को पॉपुलर बनाने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आए लिस्ट में से एक का नाम ऐसा है जिसके फॉलोअर्स बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव से भी ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाले उन सभी सेलेब्स के बारे में जिनको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि वो इस शो में आते हैं तो शो की पॉपुलैरिटी किस हद तक बढ़ने वाली है। बिग बॉस से जुड़ी खबर देने वाले एक इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक यूट्यूबर महेश केशवाला को बिग बॉस OTT3 के लिए अप्रोच किया गया है। इसके अलावा रोहित जिंजुरके का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। बता दे रोहित की फैन फॉलोइंग एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी से ज़्यादा है। रोहित के इंस्टाग्राम पर 27.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं एल्विश के 16.1 मिलियन और मुनव्वर फारूकी के 13 मिलियन लोग फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस 17 के खत्म होने के बाद रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि विक्की जैन बिग बॉस OTT3 में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने इंडिया फॉर्म को दिए एक इंटरव्यू में ये चीज़ साफ कर दी है कि वह अभी अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। विक्की के अलावा टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति, तनिषा शर्मा, सुसाइड केस में फंसे एक्टर शहजीन खान का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक बिग बॉस OTT3 के लिए किसी भी जने ने पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या 17 सीजन की तरह OTT3 भी लोगों के बीच हिट होता है या फिर नहीं। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए इंस्टाफीड।